मॉर्निंग नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो ये देखिए मेरा बैग बैग तैयार हो गया। मैं जा रही हूँ अपने, मैं ससुराल जा रहे हैं ना, हाँ अपने घर जा रहे हैं, मैके का दामन छोड़ के। लेकिन एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि जब मैं अभी जा रही हूँ ना, तो नेक्स्ट कब आना है ये भी डिसाइड हो गया है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है, जो भी पता है तुमको। हम तो ये महाराज देखिए तैयार हो गए, इन लोगों का बिल्कुल आई, इसको तो ये बगल बगल इसलिए ना कि मत जाइए, जिससे कि मैं ना जाऊँ तो ये भी ना जाए स्कूल। मैं ऐसा करूँगी नहीं। तो चल रहे हैं, बस सारी तैयारी हो गई है, नहा धो के नाश्ता वास्ता हो गया, ढेर सारी पंचायत की है अभी हम लोग ने बैठ के साथ में। और अजीत ओला करोगे? ओला के लिए अपना बुकिंग का अपना कर रहे हैं। हन्नो हम जा रहे हैं। हन्नो हाँ तुम खुश हो? नहीं। तो आओ रो पकड़ के मुझे। नहीं नहीं, नहीं। हन्नो आओ प्यारी कर लो, हम जा रहे हैं। इसका पैर टूटा है पैर इसका। तो युवी तुम रोगे, अभी हम जाएंगे तो। हाँ मम्मी आ रहे, मम्मी थोड़ी देर में बुलाती हूँ। तुम दोनों रोगे एक दूसरे को पकड़ के। मेरा भाई मेरी जान है, इससे छुटकारा, पैसा बचेगा मेरा। हाँ बहुत पैसा खर्चा करा था। तो भाभी अपना अजीत की सेवा में लगी हैं। भाभी हम जाएंगे तो रोएंगे आप? हाँ क्या डाल दिए दीदी? में गोदी नहीं, गोदी पर्स में रखा है, यही भी डाल दो ना। नहीं इसमें भी मेरा भी सामान है ना, निकाल लेंगे तो डाल देंगे गोदी और भी उसका जो कपड़े उपड़े रखा है ना, देवा का और साक्षी का। तो मेरा पिटरिया तैयार, पापा हमारे बैठे हैं आराम से, इतना सारा बैग सब अजीत उठाएगा। मम्मी रो रोइए, हम जाने वाले हैं। मम्मी रो ही नहीं रही है, अभी रोएंगी थोड़ी देर बाद रोएंगी। तभी पापा कहते हैं, पापा हमसे क्या कह रहे हैं कि अभी क्यों जा रही है, अभी दिसंबर में शादी है ना, उसमें तो आना है। ऋषभ की हम कह रहे पापा स्कूल। हाँ अभी पापा से कहे, अजीत से कहे ना कि वहाँ, अच्छा वहाँ पे प्रिंस जा रहा, प्रिंस से जा सकता है, वही हैंडल कर सकता है। तो पापा हमारे कह रहे थे कि मत जाओ, अभी दिसंबर को हमारी फैमिली में शादी है, तो कह रहे थे कि शादी मतलब करवा के, मतलब शादी अटेंड करके जाओ, लेकिन इतने दिन बच्चों का छुड़ा देंगे। तो ये देखिए ये मटक रहा है, मटको। दोनों लोग मटको, लड़कियों जैसे कैसे मटकते तुम लोग। तो बस हम निकल रहे, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या ही करें, पैसा बचने का खुशी भी है मुझे। तो चलते हैं जल्दी से, विदाई लेते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं। सो फैमिली इधर मेरी विदाई हो चुकी है मेरे मैके से, अब मैं निकल चुकी हूँ स्टेशन की तरफ, क्योंकि बस से नहीं जाना हुआ। तो पहले सोचा था कि बस से चलेंगे, लेकिन बस से ट्रेन से सुविधा नहीं होती है, ट्रेन से ज़्यादा सही रहता है बच्चों को लेके चलने में। तो इसलिए हम लोग निकल चुके हैं रायबरेली की तरफ। तो बहुत दिन इंजॉय किया, बहुत मस्ती किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन अभी फिर से बहुत जल्दी आना है, इसलिए बहुत दुख नहीं है, जल्दी आना है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि चलो अभी चलते हैं, फिर आना है एक महीने के बाद मुझे। और इधर मैं और रिद्धि अपना देखिए, इतने सारे सामान है ना, इतने सारे सामान कि ओला भी एकदम भर चुका था। तो किस किस तरीके से मतलब आज हम पहुँचे ना, पहुँचने वाले हैं घर के, मैं क्या ही बताऊँ। तो आज से यहाँ हम लोग इलाहाबाद के डालागंज स्टेशन पर हैं, आज हम लोग प्रयाग से नहीं डालागंज स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पाते हैं, जिससे कि यहीं से चलते थे यहाँ पर अच्छे से आराम से जा सकते हैं और आराम से जगह में जाते हैं। मतलब प्रयाग से अगर ट्रेन पकड़ो तो उतनी जगह नहीं होती है। फिर चलते हैं फटाफट घर और फिर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है। तो चलते हैं और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हमने सोचा था कि भाई हमारे सुनातन गलत होगी, हम लोग आ गए और कैमरा ऑन करने से पहले हम लोग ने काफी बकवास किया, फिर चाटी ने याद दिलाया कि कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हम तो जीजा आए हमसे मिलने, जीजा मेरे बिना रह नहीं पा रहे थे, और अजीत को देखिए
अजीत अपना चौथला शुरू कर दिया। दो रात बेटा ऊपर होते चले जा रहे तो संभालो। और फिर ये सारी दीदी आ गई और साची आई है। साची क्या करने आई है? अपना गिफ्ट बटोरने आई है। गए हम तो इसकी नानी ने इसके लिए इतना सारा गिफ्ट भेजा, नानी ने, मामा ने, युवराज ने, सब बटोरने। मौसी मौसी गरीब मौसी तो भाई दूज वाला गिफ्ट दिया, वो तो वंशु ने दिया ना। वंशु वंशु को पता भी नहीं क्या दिया। तो हम लोग आ चुके हैं अपने ससुराल और सासू माँ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा मुलाकात करने के बाद फिर हम माँ जीजा जी आ गए, क्योंकि बहुत सारे प्रसाद आए थे ना, मम्मी ने दिया था बच्चों के लिए और दीदी लोगों के लिए, तो वो सब हम लोग ने कहा टाइम से पहुँचाते, तो इधर सब पे बैठ के अभी चाय पार्टी चल रही है हम लोगों की। तो नानी को मिस कर रही हो? नानी आ साक्षी गई नहीं थी तो साक्षी बहुत रोई। साक्षी छठ पूजा में नहीं जा पाई थी, क्यों नहीं गई थी? हाँ सब रो रहे थे। हाँ वीडियो कॉल कर करके खूब सारा रोई है वो। पहले उसका मन था, फिर इनका मन नहीं था, इनका मन हुआ तो उनका मन नहीं हुआ। दीदी देखो चिड़चिड़ा रही है। दीदी हन्नू को मिस कर, बता दो हन्नू को मिस कर रही हो? हन्नू को मिस नहीं कर रही? युवराज को, युवराज को मिस कर रही हो? हाँ यूवी को मिस करी। और मामी लोगों को? मामी को छोड़ के और सब को, रिजा मामी को छोड़ दे। क्यों रिजा मामी से क्या दुश्मनी है? रिजा मामी को छोड़ के बाकी ये सबको मिस कर रही है। तो चलते हैं देखते हैं, खाते पीते हैं हम लोग, ठेकुआ खा रहे हैं और खाते पीते हैं फिर आते हैं। सो फैमिली जीजा जी और साक्षी लोग जा चुकी हैं। उन लोगों को इसलिए बुलाए थे क्योंकि बहुत सारे प्रसाद थे, अगर उसको देने में डिले करते तो वो प्रसाद मतलब कि उसमें केला वगैरह होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे नशी मैसी सा हो जाता है, इस वजह से हम लोगों ने बुलाया था। वो लोग आ भी गए थे टाइमली, तो वो लोग के जाने के बाद मैं तुरंत आ गई हूँ किचन में। किचन में अपनी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए शुरू कर दिया मैंने अपना किचन का काम धाम, अपने ससुराल में आने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया है। वैसे तो मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं बना दूँ खाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब टाइम से आ गए हैं और कुछ ऐसी थकान नहीं थी। गर्मी में मुझे लगता ज़्यादा थकान होती, ठंड में उस तरीके से गर्मी नहीं लगती है और थकान भी थोड़ी कम लग रही थी, क्योंकि बस बैठ के तो आना था, ऐसा थोड़ी ना था कि चल के आना है। इस वजह से मैंने कहा नहीं आप जाओ, आप बहुत दिन आपने संभाल लिया, आप चलते हैं हम अपने दायित्व को निभाने, तो इधर बस मैं अपने कामों को करने के लिए चली आई हूँ। तो खाना बनाना था, वैसे मम्मी ने बहुत मेंटेन करके रखा था, मैंने सोचा था कि अकेले मम्मी इतना नहीं कर पाएंगी, लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया था और बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे करना नहीं पड़ा। बस मैं आई हूँ और किचन में शुरू हो गई हूँ। तो और जो चीज़ें छोटी मोटी है भी वो मेरी पर्सनल है, वो चीज़ों को शायद मैं उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाऊँगी और ना ही वो मेरी चीज़ों को इस तरीके से समझ पाएंगी। वो जिस एज में हैं और उन्होंने 9 दिन मेरे बिना घर को संभाल लिया, बस इतना ही बहुत है। और आज आने के बाद भी मुझे कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। मुझे तो हर जगह लग रहा था कि यार बहुत धूल मिट्टी होगी, लेकिन घर पे आने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं था, हर जगह साफ़ सफाई ही नज़र आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, मुझे कपड़े वपड़े कबेट में रखने थे, तो मैंने कहा चलो पहले खाना वाना बना लेते हैं, तो कपड़े वगैरह जो है वो रख लेंगे और बच्चों के स्कूल की तैयारी भी करनी है, तो वो सब भी उसके बाद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो पहले किचन के काम को कर लेते हैं और फिर आपसे देखते मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी करिएगा, और बताइएगा कि मेरी ब्लॉगिंग में क्या कमी रहती है, क्या अच्छा लगता है आपको, कौन सा पार्ट है जो अच्छा लगता है और कौन सा पार्ट है जो अच्छा नहीं लगता है, वो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं फटाफट खाना वाना बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
फैमिली खाना वाना बन गया और आज भी मुझे अपनी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी लग रही है, तो खाना वाना बन गया और मम्मी ने इतना सारा प्रसाद दिया था, इतना सारा केला वेला दिया था कि सबना आपस में दब के सब किनार हो गए। तो जल्दी से मैंने उसको सही कर लिया है, मतलब कि सारे प्रसाद को सही से रख लिया, क्योंकि छठ का प्रसाद है ना, जो वो इधर उधर होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको सारी चीज़ों को सही करके कुछ चीज़ें मम्मी लोगों को खिलाई है। और जैसे ये केला है ना, ये रात में कोई भी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो इसको मैंने सोचा कि छील के मैंने रख लिया है कि कल बना लेंगे शेक इसका, तो बच्चे बहुत प्रेम से पी लेंगे। इनफैक्ट ये केले का छिलका उलका भी जो होता है ना, उसको भी गाय को डालना चाहिए, इधर उधर कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। प्रसाद का मतलब नहीं, पूजा का मतलब ये नहीं होता कि बस पूजा हो गई और प्रसाद का उसकी कोई वैल्यू मत करो। और मैं बताऊँ कि आते ही ससुराल में मुझे मिली एक बिग गुड न्यूज़। बिग गुड न्यूज़ क्या है? वो ये है कि मेरी जो बहुत प्यारी प्यारी स्वीट सी नंद है, मतलब मेरी मामी सासू माँ की बेटी, मतलब हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, टच वुड वो हमेशा अच्छी रहे, वो बहुत मुझे मानती हैं। तो आज उनको बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। तो आते ही मतलब कि आज मैं परेशान थी क्योंकि उनकी डेट तो थी, ये मुझे पता था, लेकिन काफ़ी दिनों से इधर छठ पूजा में चले गए तो बात नहीं हो पा रही थी। तो लग रहा था कि क्या बात है, दीदी का तो डेट भी था, तो मैंने यही सोचा था घर जाऊंगी थोड़ा फ्री होंगी ना, तो सबसे पहले मैं उनको कॉल करूंगी। तो बस जैसे आई ना, 15 मिनट के बाद कॉल आया मेरी सासू माँ, मतलब मेरी मामी सासू माँ का, कि उनको बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। सच बताओ दिल से बहुत खुश हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनको बेबी बॉय हो जाए। अच्छा, बॉय गर्ल में कोई वो नहीं है कि ये लड़का हो गया लड़की हो गई, ये नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा थी उनको, क्योंकि वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, कान्हा जी की इतनी सेवा करती हैं। जब मैं उनके घर गई थी तो मैंने उनसे कहा था कि दीदी आपको कान्हा जी, आपके घर में कान्हा जी ही आएंगे। तो दीदी अगर मेरा ब्लॉग देख रही होंगी तो उनको पता होगा कि मैंने कहा था ना कि आपको कान्हा जी ही होंगे। तो हो गया, कान्हा जी हमारे घर आ गए, राधा जी तो पहले ही आ चुकी थी। तो मैं दिल से उनके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि भैया भी बहुत अच्छी है और दीदी तो अच्छी है ही है, नो डाउट बहुत अच्छी है। तो आते मन ये न्यूज़ मिली ना, मतलब जब मुझे सुनने को मिला तो मेरा तो दिन बन गया, ऐसा लगा वाओ वाओ वाली फीलिंग आ गई। तो बहुत 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 मुबारक हो दीदी और भैया आप दोनों को, भगवान करे ऐसे ही आपकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, आप लोग खूब खुश रहे। तो बस इसी खुशी के साथ अब देखिए, जब भी आज ही तो मैं आई हूँ, तो पता नहीं कब जाना होता है, लेकिन जाऊंगी दीदी से मिलने, बेबी से मिलने। तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी ब्लॉगिंग से, मैं उनकी बेबी को दिखा सकती हूँ। उनका ये सब लोचा नहीं होता है कि सोशल मीडिया में ये वो मत डालिए, ये सब वो नहीं करती हैं, मतलब कि वो मेरे स्ट्रगल को देख रही हैं और मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं। तो लेकिन हैं बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनको ऐसे फ़ोटो कैप्चर करो ना, तो कहते अरे नहीं 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 अभी सोशल मीडिया में मत करो, ये ना करो वो ना करो, तो वो ये सारे ढकोसले उनके पास नहीं है। तो मैं जाऊंगी ना तो आपको, आपसे जरूर मिलवाऊंगी क्यूटी क्यूटी बेबी को। तो इसी खुशी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करूंगी, क्योंकि ज़्यादा बकवास मैं नहीं करूंगी। कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया से रहिए, ज़िंदगी की हर चीज़ों को जो जो आप करना चाहते हो आप सब करो, सब करो, सब करो, क्योंकि लाइफ जो है ना वो एक ही बार मिलती है, उसको किसी भी वजह से किसी के चक्कर में या किसी के पीछे होके मतलब अपनी लाइफ को बिगाड़ मत करो। तो बस आप लोग खुश रहो, मेरी YouTube फैमिली खुश रहे तो मैं तो खुश हूँ। तो चलते कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।